गुस्ताखे रसूल नूपुर शर्मा के खिलाफ खड़गपुर के हर मोहल्ला से भी आवाज उठाई गई और अपने अपने अंदाज में एहतजाज दर्ज करवाया गया। सबसे अहम बात यह रही कि खड़गपुर के जिला इंतजामिया ने माहौल को पुरसुकून रखने की खातिर शहर के म्युनिसिपैलिटी कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम जिम्मेदार लोग, खासकर पंचबड़िया के अशखास और खड़गपुर टाउन माइनॉरिटी कमेटी के तमाम मेंबरान को लेकर एक मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें बात तय की गई कि खड़गपुर एक भाईचारा और अमन का शहर है। इस भाईचारा को हम कभी बिगड़ने नहीं देंगे। अपने अपने हुदूद में रहकर जो आवाज उठानी पड़ेगी उठाएंगे। सबसे अहम बात यह रही कि इस मीटिंग के आखिर में खड़गपुर के मुसलमानों की जानिब से नूपुर शर्मा के खिलाफ एक FIR भी दर्ज कर ली गई। इस मीटिंग में खड़गपुर म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन प्रदीप सरकार, SP राणा मुखर्जी, SDPO दीपक सरकार, IC विश्व रंजन बिंदु उपाध्याय, 5 नंबर वार्ड के काउंसलर फिदा हुसैन, खड़गपुर म्युनिसिपैलिटी के साबिक वाइस चेयरमैन शेख हनीफ, तपन प्रधान, मोहम्मद बिलाल, जावेद अहमद खान, आरिफ रहमान, सैयद सूफी अबरार साहब के साथ भुट्टू, इम्तियाज, कमाल, इकराम, सिद्दीक और फराज के साथ कई और भी जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। खड़गपुर से SA खान की रिपोर्ट, अपना तर्जुमान बालाशोर। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में छींटाकशी की है, इसका हम तहजीब से कंडेम करते हैं, स्ट्रिक्टली कंडेम करते हैं और प्रशासन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखते हैं कि उनके अगेंस्ट में एक सही ढंग का एक्शन लिया जाए। सर आपका नाम? मेरा नाम जावेद अहमद खान, सीरेटी ऑफ खड़गपुर टाउन माइनॉरिटी कमेटी। सूत्रों से पता चला कि सर आप लोगों का खड़गपुर शहर में आज आपने डिप्यूटेशन दिया है शर्मा के अगेंस्ट में, जी इसके बारे में तो रोशनी डाली। ऐसा है, जो एक सिरफरी लड़की जो है, जो नबी के खिलाफ जो अपना स्टेटमेंट दिया था, उसके खिलाफ आज प्रशासन की तरफ से एक म्युनिसिपैलिटी के माने कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग बुलाई गई थी। तो उसमें प्रशासन ने जो आज माहौल, ये जो प्रोटेस्ट सब जगह जगह में हो रहा है, जो नबी के खिलाफ में जो स्टेटमेंट दी है उसके खिलाफ में, तो प्रशासन इसको देखते हुए, क्योंकि खड़गपुर एक पीसफुल जगह है, यहाँ का माहौल कुछ लोग ऐसा है, इंटरपोल से खबर मिला था कि कुछ माहौल ऐसा बिगड़ने वाला है, जिसकी वजह से प्रशासन ने जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे सबको बुलाए थे, उसमें मैं भी एक था। तो प्रशासन ने अपने तरफ से ये आश्वासन दिया, ये दिया कि भाई आप प्रोटेस्ट कीजिए, आपका कंस्टिट्यूशन राइट से प्रोटेस्ट करने का, लेकिन वो पीसफुली हो, हिंसा ना हो, अहिंसा के साथ आप कीजिए। और हम लोगों को जो माने पचपड़िया की तरफ से और यूथ फॉर्म ऑफ सोशल सर्विस की तरफ से भी एक पिटिशन दिया गया है कि भाई जो उसने गुस्ताखी की है उसका सजा, उसको जेल है, फांसी है, जो भी है उसको कानून के तहत उसको सजा दिया जाए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिया जाएगा वो हम लोग के लिए अच्छा होगा, इसीलिए वहाँ पर मीटिंग बुलाया गया था। और सबसे अपील किया गया है कि भाई पीसफुल तरीके से उसे प्रोटेस्ट कीजिए, और कल जुम्मे की नमाज है और सारे जो मस्जिद हैं उनके इमामों से भी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे ही बुलाया गया कि भाई आप जिस इमाम जो बस्ती में रहते हैं उनसे ये कहें, ये अपील करें कि जो भी लड़के, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत फैलाई है, उन्होंने लोगों का दिल मोहब्बत से जीता है, समझे कि नहीं, तो हम लोग भी लोगों का दिल मोहब्बत से जीतेंगे। ये मैंने हिंसा करना, किसी को मार धाड़, किसी नुकसान पहुँचाना, ये हमारा काम नहीं है। कानून अपना काम करेगा, कानून के तहत में वो कानून के हिसाब से काम होगी। ये अपील जो है आवाम से करने के लिए सारे इमामों को बोला गया है, शायद कल इमाम साहब अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई किसी तरह का कोई हुड़दंग या अशांति ना फैलाए, पीसफुली प्रोटेस्ट करे, कंडम करे आपका राइट से, ये बात मतलब। बालासोर के स्टेशन चौक पे चल रही है एक बेहतरीन राशि रत्न की दुकान समीर जेम्स, जहां आपको वाजिब कीमत पर हर तरह के कीमती रत्न अपनी अपनी पसंद के मुताबिक मिल पाएगा।
मोहम्मद समीर स्टेशन स्क्वायर के पास हमारा दुकान है समीर जेम्स। यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ वैरायटी का स्टोन अवेलेबल है। पत्थर के शौकीनों से कहना चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर समीर जेम्स आए और यहाँ से पत्थर लेके जाए। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें समीर जेम्स स्टेशन चौक बालासोर। मोबाइल नंबर 9437264128 9861391586।